हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। फ्रेंड्स, आज के टाइम में जंक फूड खाने का बहुत प्रचलन है। बच्चे, बड़े, यंगस्टर्स, एडोलिसेंट, सबको जंक फूड खाना बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट होता है फ्रेंड्स। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत कैलोरीज भी होती हैं और विटामिंस और मिनरल्स बहुत ही कम पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए कभी भी अच्छे हो नहीं सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जान लेते हैं होते क्या हैं जंक फूड, क्यों ये इतने हमें स्वादिष्ट लगते हैं और कौन से भारतीय खाने ऐसे हैं, हमारे इंडियन फूड्स, जो कि जंक फूड की कैटेगरी में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये फूड जंक फूड है, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है जंक फूड। फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, जंक का शाब्दिक अर्थ होता है कचरा। रियली फ्रेंड्स, ऐसा एक मीनिंग इसका यही है। तो इसका मतलब जंक फूड वो हुआ जो एक लो क्वालिटी फूड है, जिससे हमें फुल न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। साथ ही फ्रेंड्स, ये हमें इतना अच्छा क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें बहुत सारे ट्रांस फैट, शुगर्स, सोडियम का यूज़ किया जाता है। साथ ही इसमें बहुत सारे कलर्स का और प्रिजर्वेटिव का यूज होता है, जिससे ये हमें देखने में अच्छे लगते हैं, स्वाद इनका अच्छा हो जाता है। फ्रेंड्स, ये तो एक मानने वाली बात है कि सारी फ्राइड चीज़ें या अनहेल्दी चीज़ें स्वाद ही लगती हैं हमें। तो और इनकी कैलोरी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है फ्रेंड्स, शुगरी होने से, फैटी होने से, लेकिन इनका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होता है, इसलिए ये जंक फूड कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं जंक फूड्स, आइए जान लेते हैं लिस्ट इनकी। बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोको कोला, पोटैटो चिप्स, पिज्जाज, केक्स, हॉट डॉग्स, डोनट्स, पैनकेक्स, फ्रेंड्स ये सब चीज़ें जंक फूड्स ही हैं। और हमारे कुछ इंडियन खाने भी जंक फूड की श्रेणी में आते हैं फ्रेंड्स। जो खाना हम अपने घरों में बनाते हैं, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस ही होती हैं और ये जंक फूड की श्रेणी में ही आती हैं। जैसे कि परांठा हम जो बनाते हैं पूरा तल के, कुलचे, कचौरी, कोफ्ते, पूरी, पकौड़े, फ्रेंड्स ये सब डीप फ्राइड होते हैं। लेकिन एक छोटा सा प्लस पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि अगर बाकी चीज़ें 100% नुकसानदायक हैं, तो ये 70% नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि हम घर में जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स से ही इन चीज़ों को बनाएंगे, वो एक प्लस पॉइंट है। आइए फ्रेंड्स, आप जल्दी से जान लेते हैं कि जंक फूड खाने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे मेन इसका डिसएडवांटेज है वेट गेन के लिए। किसी प्रकार का जंक फूड खाने से हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। यदि हम कॉन्टिन्यूसली इन लॉन्ग रन बाज़ार में मिलने वाले जंक फूड्स को खाते हैं, तो ये हमारे मोटापे का कारण बन सकता है, क्योंकि जंक फूड मोटापे की मेन वजह होता है। एक तो ये स्वादिष्ट होते हैं, हाई कैलोरी होते हैं इसलिए, और डीप फ्राइड भी अक्सर होते हैं, ट्रांसफैट इनमें बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारे शरीर का वज़न बढ़ता है। इस समय ज़्यादातर वर्ल्ड में बहुत लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं, और अगर हम प्रतिदिन लगभग 500 कैलोरीज ले लेते हैं इन एक्स्ट्रा जंक फूड से, तो हम एक वीक में ही काफ़ी वज़न गेन कर सकते हैं। तो आप सोचिए, जब हम डेली रूटीन में इसको लेते हैं, जैसे कि बच्चे लगभग हर इवनिंग में जंक फूड ही एज स्नैक लेते हैं, तो आप सोचिए कि पर वीक वो अगर 1 kg वेट भी गेन कर रहे हैं और एक महीने में 4 kg, तो आप सोचिए कि लगातार में वो मोटापा बढ़ते ही रहने वाला है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही इसमें जंक फूड खाने से मधुमेह का खतरा यानी कि डायबिटीज़ का खतरा बहुत बढ़ता है। पहले डायबिटीज़ सिर्फ बुज़ुर्गों में, बड़े लोगों में हुआ करती थी, लेकिन आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में आ गई है। कारण है बहुत ज़्यादा मीठे चीज़ों का यूज़ करना, हाई कैलोरी यूज़ करना, क्योंकि इससे मोटापा बढ़ता है और डायरेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा शुगर्स होती हैं जंक फूड्स में, तो वो
बच्चों को डायबिटीज कर रही हैं इस एज में भी। साथ ही फ्रेंड्स, दांतों की सड़न के लिए ये जंक फूड बहुत रिस्पॉन्सिबल रहता है। जितने भी केक्स, डोनट्स, पेस्ट्रीज, ये सब हाई शुगरी फूड है जो हमारी ऑरल कैविटी के लिए, गम्स के लिए, टंग की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए बच्चों में दांतों की सड़न, गम्स की प्रॉब्लम्स, गम ब्लीडिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी एज में हो रही हैं, जिसके फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में जंक फूड्स का सेवन करने से हार्ट डिजीजेस का खतरा बढ़ता है। पोटैटो चिप्स, पिज्ज़ा या फिर फ्रेंच फ्राइज, इन सब में सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है फ्रेंड्स, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम 500 मिलीग्राम सोडियम लेते हैं एक दिन में, तो वो हमारे स्ट्रोक के खतरे को 17% बढ़ा देता है। तो अगर आपको, चाहे आप बच्चे हैं या बड़े हैं, कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग रन में चिप्स खाने की आदत है, आलू के चिप्स या फ्रेंच फ्राइज, तो आप इसे बंद कर दें। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जंक फूड में बिल्कुल भी विटामिन्स और मिनरल्स नहीं होते हैं। हमारे शरीर की ठीक काम करने के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और बहुत सारे मिनरल्स और पोटेशियम, कैल्शियम और मैंगनीज, फास्फोरस, कॉपर, बहुत तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, पूरे मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए, नर्वस सिस्टम को सही रखने के लिए, जो कि जंक फूड में लगभग ज़ीरो ही होते हैं। इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इनको टेस्टी बनाने के लिए इनमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, बहुत तरह के कलर्स डाले जाते हैं, और इनको लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, इवन हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत नुकसानदायक इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके। साथ ही फ्रेंड्स, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ इनको ज़्यादा मात्रा में लेती हैं जंक फूड्स को, तो होने वाले बच्चे को भी इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, कोका कोला, पेप्सी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनके केमिकल इफ़ेक्ट्स हमें पहले से ही पता हैं, तो इनका सेवन बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम पैकेज्ड फ्रूट जूसेस पर भी रिलाय अपॉन करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो फ्रेंड्स उनमें भी इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स मिले हो सकते हैं, जो हमारी सेहत के लिए कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, कुछ मिल्क शेक्स मिलते हैं या बनाकर भी देते हैं, जिनमें हम स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट का सिरप डालते हैं फ्रेंड्स, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। कहने को तो हम सोच रहे हैं कि हम हेल्दी मिल्क शेक पी रहे हैं, लेकिन उन सिरप्स को बनाने में बहुत सारे केमिकल्स, उनको प्रिजर्व रखने में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो हमारी सेहत पर एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो बच्चे ज़्यादातर कॉलेजेस में पढ़ते हैं और हॉस्टल्स में रहते हैं या पीजीज में रहते हैं, उन लोगों की ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है इन स्नैक्स पर, लेकिन लॉन्ग रन में अगर वो इनको यूज़ करते हैं, तो ये उनके फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह से उनके लिए नुकसानदायक होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बाज़ार में मिलने वाली हर चीज़ जंक फूड ही होती है, तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे लिए हेल्थी हो सकती हैं, तो आइए जान लेते हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई पैकेट वाली चीज़ खरीदते हैं, तो उसको उसमें उसके पीछे दी गई जानकारी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उस चीज़ को बनाने के लिए जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है, उस पैकेट में उसकी जानकारी दी जाती है, उसमें उसका नाम और उसका कितना अमाउंट में यूज़ किया गया है, ये आपको पढ़कर पता लग जाएगा कि ये चीज़ें खाने लायक हैं या नहीं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी चीज़ को बनाने के लिए ज़्यादा शुगर का यूज़ किया गया है, तो आप उसे ना लें। ऐसे ही अगर उनके कोई चीज़ को होल ग्रेन से कोई है बनी हुई, तो आप उसको ले सकते हैं। साथ ही आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें फाइबर कितना है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स जैसे कि ए, सी, ई, बी, इन सारी चीज़ों की कितनी मात्रा है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें ये सारी चीज़ें सही अमाउंट में हैं, तो आप उसको ले सकते हैं।
फिर भी फ्रेंड्स ये ज़्यादा अच्छा ही होता है कि आप ज़्यादा फ्रेश चीज़ें ही लें, क्योंकि पैकेट वाले जूस की जगह ताज़ा जूस ही पिए, क्योंकि इनमें रसायन बहुत तरह के हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं हम कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी होती है। तो अगर हम इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा ना करें तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। फ्रेंड्स 100 ग्राम या 100 ml चॉकलेट शेक में 119 कैलोरीज होती हैं, 100 ग्राम पिज़्ज़ा में 266 कैलोरीज होती हैं, 100 ग्राम ब्रेड में 265 कैलोरीज होती हैं, ऐसे ही एक बर्गर में 295 कैलोरीज होती हैं, 100 ग्राम चिप्स में 312 कैलोरीज, 100 ml कोक में 140 कैलोरीज, फ्रेंच फ्राइज में 312 कैलोरीज 100 ग्राम में, फ्रेंड्स 100 ग्राम समोसा में 308 कैलोरीज, ऐसे ही फ्रेंड्स एक परांठा में 260 कैलोरीज होती हैं और चीज़ में 100 ग्राम में 371 कैलोरीज होती हैं। फ्रेंड्स तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने स्नैक को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जंक फूड में हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वैसे आप ये सब बातें जानते हैं, ये सिर्फ एक रिमाइंडर वीडियो है आपको याद दिलाने के लिए कि हम समय की कमी होने में और स्वाद के कारण जंक फूड खा तो लेते हैं लेकिन वो किसी भी तरह से हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम खाएं क्या अपने इवनिंग स्नैक्स में या अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा सुझाव इसमें यही है कि जो भी खाएं हेल्दी खाएं, ट्राई ये होना चाहिए कि आप हेल्दी खाएं। फिर भी कभी आपको वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, एक महीने में 2 बार, 3 बार या 4 बार आप खा सकते हैं जंक फूड भी अपने जीभ के टेस्ट बड्स को प्लीज़ करने के लिए, या फिर आपके पास समय नहीं है तो उस समय अपनी भूख को दूर करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि इसको आप अपनी डेली हैबिट ना बनाएं, इजी गोइंग ना हो, ज़रूर अपनी डाइट में होल ग्रेन्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सब चीज़ों को शामिल करें, फ्रेश जूसेस, खूब सारा पानी, ताकि लॉन्ग रन में आपको हेल्दी चीज़ें मिलें। लेकिन कभी कभार आप चीट डाइट कर सकते हैं फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू नीड एंड अकॉर्डिंग टू मूड, अपना टेस्ट चेंज करने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। स्टे ट्यून्ड।